हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। कांवड़िया पथ के न्यू अपडेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और यह है झारखंड का कांवड़िया पथ। दुम्मा बॉर्डर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी टिकट काउंटर जब आप पार करेंगे, बाबा नगरी के लिए बढ़ेंगे, तो ये पूरा आप सभी का जो है झारखंड का ही कांवड़िया पथ हो जाता है। दुम्मा बॉर्डर से स्टार्ट हो जाता है झारखंड का कांवड़िया पथ, और इधर का जो है आप सभी को अपडेट पूरा देते रहते। तो आज हम आप सभी को लेके चलते हैं दुम्मा बॉर्डर से बाबा नगरी की तरफ, और जितना हो सकता है आज के ब्लॉग में शेयर करेंगे कहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है अभी देखने को, किस प्रकार से यात्रा हो रहा है। और देख ही पा रहे हैं सावन जैसा रौनक देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हैं आप। अगर आपको चेंज करवाना है तो वो भी जो है सिक्का जो लेकर रखते हैं, बहुत सारा सिक्का रखते हैं जहाँ पर आप चेंज करवा सकते हैं, तो वो भी देखने को मिल रहा है। यात्रा देखिए किस प्रकार से हो रहा है। पथ तो आप देख ही सकते हैं, पथ आपको इधर अच्छा ही देखने को मिल रहा है, काफ़ी रौनक लग रहा है। इधर दुकान में देख लीजिए, बहुत सारे बमजी दिखाई दे रहे हैं और चलते हुए यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। और पूरा दुकान देख लीजिए, पूरा दुकान में जो है अभी सुविधा मिल रहा है लगातार जो है आप सभी को दिखाएंगे। तो ब्लॉग अगर थोड़ा लंबा हो तो प्लीज़ आप लोग पूरा जो है वीडियो को देखा कीजिएगा, ब्लॉग देखा कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए जो स्पेशली जो है इस प्रकार से वीडियो बनाते हैं ताकि पूरा पथ की जो जानकारी है आप तक पहुंच सके। तो अभी जो है थोड़ा खाली जब पथ हो जाता है तब ऐसे ही जो है दिखाने का जो हमेशा प्रयास करते रहते हैं ताकि पूरे पथ की जानकारी मिल जाती है और यात्रा किस प्रकार से हो रहा है वो भी देखने को मिल जाती है। दुकान वगैरह का क्या सुविधा है, कहाँ पर कितना दुकान देखने को अभी मिल रहा है वो भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि आसिन महीना का जो है यात्रा अभी चल रहा है और लगातार जो है आप सभी को जो है दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तो सावन बीत गया, भादु बीत गया और आसिन का जो है यात्रा अभी देखने को मिल रहा है, और जिसका अपडेट जो है आप सभी को लगातार जो है हम देते रहते हैं। देख ही पा रहे हैं कि अभी दांडी यात्रा भी हो रहा है, साथ ही साथ पैदल यात्रा भी हो रहा है। और दांडी यात्रा आप सभी को जो है भादु महीना में ज़्यादा देखने को मिलता है, आसिन महीना में भी देखने को खूब देखने को मिल रहा है, क्योंकि पथ जो है अभी थोड़ा खाली होता है। सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो दांडी बम थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलते हैं, पैदल यात्री ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डाक बम फिर देखने को मिलते हैं। तो अभी दांडी यात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और कभी कभी तो इतने सारे दांडी बम देखने को मिलते हैं लगातार। और अभी देख लीजिए यहाँ पर कांवड़िया भक्तों की संख्या जो है किस प्रकार से जो आप सभी को देखने को मिल रहा है। दुकान वगैरह लगातार जो है आप सभी देख ही पा रहे हैं कितना जो है व्यवस्था जो है अभी मिल रहा है, वो सारा कुछ आप सभी को देखने को मिल रहा है। और इधर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको धर्मशाला मिलेगी, उसके बारे में भी जो है आप सभी को दिखाते चलेंगे कैसा सुविधा उधर भी है, बमजी रुके हैं कि नहीं रुके हैं वो भी आप सभी को देखने को मिलेगा। इधर आपको धर्मशाला मिलेगा, आपको ठनठनिया बोकारो और ये कलकतिया धर्मशाला मिलेगा जब आप दुमा बॉर्डर से बढ़ते हैं बाबा नगरी की तरफ। तो 3 किलोमीटर के अंदर में ये जो है हर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो आपको ये सारा जो धर्मशाला मिल जाता है, तो लगातार मिलता है जो कि आप सभी को दिखाते चलेंगे। इधर का पूरा दुकान देख लीजिए, लगातार आप सभी को देखने को मिल रहा है, लगातार जितने भी दुकान थे सब आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, सारी जगह सुविधा है। कुछ कुछ बीच में जो एक दो दुकान जो है हटे हुए आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। और यात्रा देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है, ऐसे ही अभी यात्रा होता है आसिन के महीने में, भादों से जो शुरुआत होती है आसिन तक ऐसे ही जो है अभी यात्रा मिलती है। ग्रुप में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ वाली यात्रा देखने को मिलती है और कहीं कहीं तो लगेगा कि पूरा पथ ही खाली हो गया, ऐसा देखने को मिलता है। दुकान वगैरह में सारी सुविधाएं अभी उपलब्ध हैं, शौचालय वगैरह जो भी है सब कुछ देखने को मिल रहा है अभी लगातार। और इधर भी दुकान में भी ये वाली दुकान भी देख सकते हैं, दोनों ही साइड में दुकानें आप सभी को लगातार दिखा रहे हैं और पूरा आपको दिखाएंगे आज जितना हो सकता है आज कवर करना है, क्योंकि जो है ये अपडेट जो है कुछ ही दिनों का जो है भीड़ देखने को मिलेगा जो कि आप सभी को शेयर करते रहते हैं और आप सभी को जो है लेटेस्ट अपडेट देने का जो है प्रयास करते रहते हैं। यात्रा देख लीजिए, थोड़ी देर पर जो है आपको बमजी इस प्रकार से यात्रा करते हुए देखने को मिल रहे होंगे। और ये लीजिए सबसे पहले आपको ये मिलेगा ठनठनिया धर्मशाला, यहाँ पर भी कुछ बमजी रुके हुए हैं, देख पा रहे हैं बाहर में कपड़े वगैरह डाले हुए हैं। तो जैसा भीड़ रहता है रुकने का जो टाइम रहता है उसके हिसाब से जो है बमजी आपको धर्मशाला में जो है रुकते हैं। और दुकान भी अभी बहुत ज़्यादा है, अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुकान भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से देवी देवता के जो है दर्शन भी होते हैं। दुम्मा बॉर्डर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसे कम से कम 4 से 5 जगह आप सभी को जो है देवी देवता के दर्शन होंगे। और यहाँ पर देखिए ठनठनिया धर्मशाला के पास आपको ये ब्रिज मिलता है उसके बाद, और उसके बाद जब आप बढ़ेंगे तो फिर से यहाँ पर देवी देवता के दर्शन होंगे और बहुत ही अच्छा सा माहौल जो है मिल जाता है।
ये रौनक जो है मिलता है सावन से स्टार्ट होता है और अभी तक जो है देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि भीड़ जब होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा दुकान में सुविधा पूरा देखने को इधर भी मिल रहा है, दुकान वगैरह देख ही पा रहे हैं, जैसा दुकान सावन में देखने को मिल रहा था वैसा ही अभी भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह कांवड़ रखने का स्टैंड पूरा बना हुआ है, वो भी एकदम पूरा एकदम अच्छे से देखने को मिल रहा है। यात्रा भी देख ही पा रहे हैं, गजब का भीड़ देखने को मिल रहा है, हर थोड़ी दूर दूर पर जो इस प्रकार से ग्रुप में भक्त नजर आ रहे हैं यात्रा करते हुए। कांवड़ जो है रखे हुए बहुत सारे आप सभी को देखने को मिलेंगे। और ये वाले स्टूडियो देखिए जो एकदम फूल बगान जैसा जो बना हुआ स्टूडियो जो सावन में स्टार्ट हुआ था वो अभी तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भीड़ बढ़ता है बीच में ये पैक किया हुआ था, नहीं दिखा था बीच में, फिर उसको खोल दिए, मतलब भीड़ बढ़ता है तो ये लोग भी अपना जो है कांवड़िया पथ पर आ जाते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो है थोड़ा बहुत जो है फोटोशूट हुआ। ये आपका इधर में बोकारो इस्पात धर्मशाला भी क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे बम देखने को मिल रहे हैं, पूरा यहाँ पर दुकान भी देखने को आप सभी को मिल जाता है। और अभी जो है क्या होता है सावन में चौकी वगैरह जो जितनी दुकान में जो लगाते हैं वो अलग से आपको जो है उस समय क्या करते हैं पैसे भी लेते हैं, लेकिन जैसा कि बम जी बता रहे थे। और अभी जब भादों में जब आप लोग आएंगे भादो आश्विन में तो भीड़ सावन के पीछे कम हो जाती है, तो चार्ज फिर अलग से नहीं लेते हैं। ये आपका आ गया कलकतिया धर्मशाला। बोकारो इस्पात धर्मशाला से कलकतिया धर्मशाला के बीच की दूरी बहुत ही कम है, एकदम जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ भी देख पा रहे हैं यहाँ भी बहुत सारे बमजी अभी रुके हुए हैं, भीड़ पूरा देखने को अंदर में मिल रहा है। दुकान जो था अंदर में वो भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्ट क्या हो गया थोड़ा जो है बंद जैसा हो जाता है बीच में जब कम भक्त नज़र आते हैं तो फिर पूरा एकदम जोश में आ जाते हैं, पूरा सामान वगैरह भी दिखने लगता है। कांवड़ भी देख भी पा रहे हैं, जितनी भी स्टैंड है सब पे आपको कांवड़ ही देखने को मिल जाएगा, पूरा दुकान भी जो है एकदम एक्टिव हो जाता है हर जगह। ये आपका हो गया ढावा घाट, यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा बाबा भोलेनाथ का जो है। और इधर से आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पर बहुत सारे दुकान ऐसे भी हैं जो परमानेंट हैं, और बहुत सारे ऐसे दुकान जो सावन को लेके बनाए जाते हैं, और बहुत सारे जो है आपको भादो आसिन में भी सुविधा देते हैं, तो फिलहाल वहाँ पर भी बहुत सारा दुकान अभी खुला हुआ ही है। तो नवाडी क्षेत्र पार करते हुए पहुँचेंगे अभी घरमारा, और अभी जो धर्मशालाएँ जो आपने देखा है सब आपका जो है नवाडी में पड़ता है, और इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको घरमारा क्षेत्र मिलेगा जहाँ पर मिलता है आध्यात्मिक भवन। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी जब बाबा नगरी के लिए आप बढ़ते हैं 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं तब आपको लगभग बीचों बीच आपको झारखंड के पथ पर आपको आध्यात्मिक भवन मिलता है, जहाँ पर भी सुविधाएं मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुविधा सावन में मिलती है, जो कि अभी भी यात्री जो आते हैं वहाँ रुकते हैं अगर ग्रुप में बहुत ज़्यादा होते हैं तो। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, आप सभी को देखेंगे वहाँ पर भी बढ़कर कि अभी वहाँ पर कांवड़िया भक्त रुके हैं कि नहीं रुके हैं। इधर से दुकान वगैरह जितने भी अभी आप सभी को देख ही पा रहे हैं पूरा देखने को मिल रहा है, और यात्रा किस प्रकार से हो रहा है वो भी आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो ये मतलब अभी जो कांवड़ का जो इस प्रकार से झुनझुन झुनझुन जो आवाज़ सुनाई देता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और पथ पे रौनक तो कांवड़िया भक्तों से ही होती है, दुकान वगैरह तो अभी देख ही पा रहे हैं, ये सारी सुविधाएँ अभी भी मिल रही है बहुत बड़ी बात है, दुकान वगैरह भी मिल जा रही है, फोटो शूट करवा रहे हैं, और देवी देवता के भी दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। और पूरे पथ पर 4 से 5 जगह जो है इस प्रकार से दर्शन होते हैं सभी भक्तों को, और दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इतना सुंदर सा जो है सॉन्ग जो है सुनाई देता है वो बहुत अच्छा लगता है पथ पर, क्योंकि अब फेस्टिवल आने वाला है जो उसी से रिलेटेड छठ पूजा का गीत जो है सुनने को मिल जाता है तो वो भी अच्छा लगता है, अलग सा रौनक आ जाता है। बांस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, जहाँ जहाँ खाली है दुकान वो तो पता चल ही रहा है कि ये दुकान हट चुका है, बहुत सारा जगह पर दुकान हट चुका है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अभी जैसा यात्रा हो रहा है उसके हिसाब से सुविधा मिल रहा है। जगह जगह अनाउंसमेंट भी दुकान भी किए जा रहे हैं, और जो फेवरेट मशीन जो लगा हुआ है आपको करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। अब आ चुके हैं ये देखिए आध्यात्मिक भवन, यहाँ पर भी बम जी रुके हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पर जब बात किए थे पिछली बार तो एक बमजी थे तो वो अकेले थे, तो उस समय थोड़ा पद खाली खाली था तो वो रुके नहीं थे यहाँ पर, हालांकि सुविधा यहाँ पर रुकने के लिए मिल रही है, लेकिन अकेले जो होते हैं तो वो नहीं रुकते हैं। अब अकेले उतना बड़ा शिविर में क्या रुकेंगे, अब जैसे 50-60 के ग्रुप में बहुत सारे बमजी अभी आ रहे हैं तो वो अपना रुकते हैं, रुकने की व्यवस्था पूरा वहाँ पर दी जा रही है। अभी ऐसा नहीं है कि आपको रुक नहीं सकते, वहाँ पर गेट खुला हुआ रहता है, जो भी भक्त आ रहे हैं ग्रुप में है बहुत ज़्यादा रहते हैं तो अपना रुकते हैं वहाँ पर, क्योंकि अपना खाना पीना वो खुद करते हैं, ग्रुप में उन लोग का खाना पीना जो है अलग ही बनाते हैं, दुकान में नहीं बनाते हैं, खुद ही बनाकर खाते हैं, तो वैसे लोग वहाँ पर भी रुक रहे हैं।
और बाकी जो अब 4-5 लोग हैं तो अपना दुकान में रुकते हैं और फिर बढ़ते हैं इस प्रकार से। देख ही पा रहे दुकान में पूरा अभी सुविधा मिल रहा है, जो अब मान ले कि खाना नहीं बना रहे उससे तो दुकान में भी मिल जा रहा है। यहाँ पर भी ये वाला दुकान देखिए हट चुका है, पूरा आप सभी को दिखाते चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो है इस प्रकार का जो अपडेट है वो आप सभी को इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, पद का कहाँ पर क्या सुविधा मिल रहा है। ये वाले दुकान भी देख पा रहे हैं ये हट चुका है, एक प्रसूर सेठ जो है हट चुका है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे बम जी देखने को मिला, बहुत सुंदर सा कावर भी देखने को यहाँ पर सजा हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अभी भी अच्छा अच्छा मतलब सुंदर सुंदर कावर देखने को मिल जाता है कांवड़िया पथ पर। इस प्रकार से यात्रा के दौरान इतने भक्त मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कहीं कहीं भी देखिएगा अचानक से पथ एकदम खाली हो जाएगा और फिर अचानक से बहुत सारे कांवड़िया भक्त आप सभी को नजर आने लगेंगे। तो ग्रुप में रहते हैं वो एक ग्रुप निकल जाते हैं, फिर कहीं ग्रुप अपना दुकान में जो है बैठे रहते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए आराम विश्राम कर रहे हैं, जगह जगह पूरा दुकान में जो है सुविधा भी पूरा जो है एक्टिव जो रहता है, जो बंद हो जाता है ना वो भी एक्टिव हो जाता है। ये जो क्षेत्र है आपका घरमारा का बंद क्षेत्र है, ये पूरा आपको क्रॉस करते हुए जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बाबा नगरी की तरफ। और वीडियो लंबा हो जाता है, कभी कभी आप सभी को कंटिन्यू दिखाते रहते हैं, तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए देवी देवता के जो है दर्शन हो रहे हैं। और ये जो बाबा है ना हमेशा इसी प्रकार से बैसाखी पे खड़ा रहते हैं, यहाँ पर जो है बहुत लोग अपना दान भी करते हैं। और इधर का भी दुकान देख लीजिए, यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें जो है आप सभी को देखने को मिल रहा है। पूरा जो है पथ एकदम खाली जो रहता है वो पूरा दुकान जो है भी देखने को मिलता है। सावन से जो स्टार्ट होता है वो अभी तक देखने को मिल रहा है और अभी तो यात्रा होगा। यहाँ पर भी देखिए वाइब्रेटिंग मशीन है, इसमें जो है थोड़ी थकान जो होती है वो आप खड़े होकर बैठ कर अपना जो है उसमें वाइब्रेट होता है, पूरे शरीर को जो है हिला देता है, तो थोड़ी बहुत थकान जो है कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो वो अपना उस पर चढ़ते हैं, तो दुकान वाले भी अपना अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि आप यहाँ पर अपना दर्द थोड़ा सा कम कर सकते हैं वाइब्रेट मशीन पे खड़े होकर। और अभी की जो यात्रा है वो ऐसे ही होते रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम जो है देखने को कांवड़िया भक्त देखने को मिलते हैं, वो भी लगातार जो है आप सभी को शेयर करते ही रहते हैं पूरा जो भी अपडेट होता है। तो आप सभी से भक्तों के लिए जो ये मेहनत करते हैं ताकि हर छोटी से छोटी अपडेट जो है आप तक पहुँच सके। तो आप सभी को ये अपडेट अच्छा लगता है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में नए अपडेट के साथ। हर हर महादेव।